हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम अर्ली प्रेगनेंसी के इम्पॉर्टेंट साइंस क्या होते हैं ये समझने का कोशिश करेंगे। रिमेंबर, ये ट्रिक बहुत सिंपल है। पूरे प्रेगनेंसी के जो साइंस रहते हैं वो सिर्फ दो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। ये मैं आपको एक ड्रॉइंग के माध्यम से आज समझाऊंगा। ऑलराइट, जब कभी भी अगर हम रेगुलर साइकिल्स को कंसिडर करते हैं तो तकरीबन 14th डे के आसपास, ओके, डे 14 ऑफ द साइकिल, ओवरी के अंदर से एग निकलता है। ऑलराइट, अब अगर वो फर्टाइल पीरियड में आपने इंटरकोर्स किया तो जो स्पर्म्स रहते हैं वो वजाइना में रिलीज होने के बाद में स्विम करके ऊपर चले जाते हैं और ट्यूब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग के साथ में। ये होता है तकरीबन 16th, maybe 17th डे के आसपास, यू नो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ग्रोथ। ये एम्ब्रियो अगले 5 दिन तक, तो तकरीबन 21st डे ऑफ योर साइकिल के आसपास, फेलोपियन ट्यूब के अंदर से बाहर निकलकर यूट्रस के अंदर आ जाता है। एंड यूट्रस के अंदर तकरीबन आपके पीरियड के 22nd से 24th डे के बीच में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब एक बार ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो गया, जिसे हम बोलते हैं गर्भारोपण हो गया, उसके बाद में दो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज होने के स्टार्ट हो जाते हैं। अब जहां से ये एग निकलता है ना, ये बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये प्रेगनेंसी के लिए। कॉर्पस लूटियम मेंटेन्स द प्रेगनेंसी विद अ हॉर्मोन विच इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है, ओके। एंड इम्प्लांटेशन के बाद सीक्रेट होता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं HCG। तो ये दो हार्मोन्स, ओके, हार्मोन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन नंबर 2 HCG। अब इन दो हार्मोन्स के वजह से सारे के सारे अर्ली सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के देखने मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम HCG के वजह से जो होता है, जो हम प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंटली क्लासीफाई करते हैं एज अ वेरी अर्ली साइन, इज मिस्ड पीरियड्स, ओके। बिकॉज ऑफ HCG आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप घर पे करते हो वो पॉजिटिव आता है। आपको वो स्ट्रिप के ऊपर दो लाइंस दिखने के स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज ड्यू टू HCG। ऑलराइट, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ HCG, देखिए HCG बॉडी में नॉर्मली नहीं रहता है, लेडी में भी नॉर्मली नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है, ओके, और प्रेगनेंसी में बहुत हाई मात्रा में आता है। नॉर्मल लेडीज का जो प्रेग्नेंट नहीं है उनका बीटा HCG वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन 5, बट प्रेगनेंसी में ये वैल्यू मिनिमम मोर देन 5000 तक और आगे जाके मोर देन 5 लाख तक जाता है। तो ये ह्यूज इंक्रीज है। इसके वजह से एक बहुत कॉमन चीज होता है जिसे हम बोलते हैं नौजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आना, उल्टी जैसा फील होना, मॉर्निंग में सिकनेस होना, खाना ऊपर आना, रिगर्जिटेशन, ये सारा चीजें अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत 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 कॉमनली होता है। ऑलराइट, तीसरा चीज, अब ये होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ओके, तो मैं उसको इधर लेबल करता हूं। अगेन, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन, ओके। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हॉर्मोन है जो लिक्विड को निकाल देता है, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, हैबिट्स चेंज हो जाती है, यू नो, मूड चेंज हो जाता है। ऑल दिस कैन हैपन इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड दीज आर ऑल साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। इसके साथ में बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो विमेन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती है पहले, एंड दैट इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपको सडनली ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होने का स्टार्ट हो जाता है। ऑल दिस इज इन वेरी अर्ली प्रेगनेंसी। फॉर्चुनेटली आज के जमाने में बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड काफी प्रेगनेंसीज बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाती है। इसके लिए आपको पहले से ही पता चल जाता है कि यू आर प्रेगनेंट, एंड देन यू एक्सपीरियंस ऑल दीज सिम्टम्स। स्टार्टिंग के 1 या 2 हफ्ते में ये सब सिम्टम्स आने के स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली एक चीज जो ये प्रेगनेंसी के ग्रोथ के वजह से होती है,
Now once implantation happens as pregnancy advances, ये बड़ा होते जाता है, right? Embryo size में बड़ा होते जाता है nutrition के वजह से, जिसके वजह से एक बहुत common चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं cramps. You know, हल्का cramps. These are very 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 mild cramps. ये बहुत common है early pregnancy में, and काफ़ी बार एम्ब्रियो के ग्रोथ के वजह से थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ जाता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग. दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन. जब तक प्लासेंटा या वार अंदर से फॉर्म नहीं होता, तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है. इनफैक्ट अगर आप इंसिडेंस देखें तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है कम से कम 70-80% विमेन में. ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है कम से कम 50% विमेन में. माइल्ड क्रैम्प्स 60-80% विमेन में होते हैं. ये बहुत 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 कॉमन सिम्टम्स है आपके अर्ली प्रेगनेंसी के, और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल सिम्टम्स है. इसके लिए हर छोटे चीज के लिए दवाई लेना जायज बात नहीं है, हर छोटे चीज को लेकर टेंशन लेना जायज बात नहीं है. ये लॉजिक है ये सिम्टम्स होने का जो हम आपको समझाना चाहते थे. हमेशा याद रखिए, प्रेगनेंसी में ड्यू टू एक्सेसिव हॉर्मोन्स, स्पेशली बीटा एचसीजी एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इन दोनों के वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं. ये बहुत नेचुरल है, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते. दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी. हमारे आगे के वीडियोस में प्रेगनेंसी में ग्रोथ कैसे होता है और प्रेगनेंसी के अलग अलग वीक बाई वीक जर्नी हम कवर करेंगे. इस स्टेट और ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी को लेकर अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स बॉक्स. मैं या मेरी कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच.